हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि AIOT एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है, यानी कि अगर आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम देना होता है, वो उसका नाम है AIOAT, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है, वो जो एप्लीकेशन डेट थी, वो लास्ट डेट जो एक्सटेंड करी थी RCI बोर्ड ने, RCI बोर्ड करवाता है ये स्पेशल एजुकेशन का कोर्स, इसने लास्ट डेट एक्सटेंड करी थी 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। और दोस्तों, आज है 1 अगस्त, यानी कि लास्ट डेट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो सवाल ये है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न कब आएगा। दोस्तों, ये लास्ट अपडेट मैं ये दे रहा हूँ कि इस बुक के तहत जो मैं कोचिंग आप लोगों को करा रहा था, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट भी होने वाली है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब RCI अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेगा तो एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो मैं बता देता हूँ। एडमिट कार्ड की अपडेट क्या है, इफ़ एग्ज़ाम कंडक्ट आफ्टर 15th अगस्त, यानी कि अगर 15 अगस्त के बाद होता है और 15 से 23 अगस्त के बीच में होगा, तो एडमिट कार्ड आपके 10 से 15 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है, अगर 15 से 23 के बीच में आपका एग्ज़ाम होता है, 23 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होता है, तो 10 से 15 अगस्त के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके अंदर सेंटर होगा जहाँ पर आपको जाना है, सेंटर पे जब जाओगे वहाँ पर आप कंप्यूटर पे बैठकर ऑनलाइन टेस्ट दोगे। सिंपल सी बात है, ये सवाल दोबारा मत पूछना, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछते रहते, क्योंकि कुछ भी है वो मन में आता है वो व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, मुझे सबका रिप्लाई देना पड़ जाता है। और इफ़ दे एक्सटेंड वन मोर एप्लीकेशन फॉर्म डेट, यानी कि जैसे उन्होंने अभी पहले थी इसकी जो 21 जुलाई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट, उसको बढ़ाकर 31 जुलाई करा, अगर इसी को बढ़ाकर दोबारा 7 अगस्त कर दिया या और डेट बढ़ा दी, तो भाई साहब ये एग्ज़ाम जो है आपका देन एक्सपेक्ट एग्ज़ाम डेट इन लास्ट ऑफ अगस्त के लास्ट तक हो सकता है, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, फिर ये और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न तो मैं बता ही चुका हूँ, मैं यहाँ पर सिलेबस में बताता हूँ सिलेबस क्या है। जिन लोगों ने ये बुक ले ली है उन लोगों को तो सिलेबस इसके अंदर ही मिल जाएगा, रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, जिसमें हर टॉपिक भी कवर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, न्यूमेरिकल में क्या आएंगे, और प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर ये तो आ गया आपका सिलेबस, और दूसरा है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई, GK जो पहले अब तक का पैटर्न था, जिस हिसाब से ये बुक भी तैयार है, पहले का पैटर्न जो था वो ये था कि भाई GK आएगी 25 मार्क्स की, ठीक है, 25 क्वेश्चन और 25, तो ये चारों पोर्शन आ रहे थे पहले, चारों पोर्शन, और 25 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 100, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आता। बट लास्ट में RCI ने अपडेट कराया और उन्होंने 1/5 वाला कॉलम डाल दिया है स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन के भी 20 क्वेश्चन ऐड करें, तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया है। GK के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और स्पेशल एजुकेशन। अब दोस्तों, ये एक तरह से बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जो लोग 12th पास आउट हैं वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं जो वो पेपर में लिखेंगे। बट आप लोग टेंशन फ्री रहो, जिन लोगों ने ये किताबें ली हैं उन लोगों को मैं लास्ट जो भी वीडियो आएगी, अपकमिंग वीडियो वेनसडे को जो हमारी क्लास होगी 7 बजे, मैं स्पेशल एजुकेशन का सारा उनको करा दूंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। तो उसके बाद आप लोगों के सामने अगर एग्ज़ाम में कुछ आता है तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये बुक अब सिर्फ मेरे पास, ये बहुत सारी इसकी 1000 कॉपी थी पहले मेरे पास, अब इसके सिर्फ 100 कॉपी बची है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिप और कमेंट बॉक्स में, तो जो लोग लेना चाहते हैं जल्दी ले लो, उसके बाद ये बुक आपको वो नहीं मिलने वाली है, ये बुक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से आ जाते हैं भाई। ये हो गया टोटल मार्क्स जो हो गए, 20-20 करके 5 पोर्शन है, 20 के 5 है तो भी 100 हो जाता है ये। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और अपडेट चेंज अभी नो रिक्वायरमेंट, अपडेट चेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट आ गया तो हम क्या नंबर अपडेट करते, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन जब होगा, जब आपका नाम आ जाएगा, जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे अपने 12th की मार्कशीट लेकर, तब लेकर चले जाना, अभी ऑनलाइन में कुछ मत करो। किसी के साथ कोई गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत हो गई, अब चेंज का ऑप्शन है नहीं, तो आप काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते कि सर क्या करें क्या करें, जब चेंज का ऑप्शन नहीं है तो इसमें इश्तियाक सर क्या करेंगे, ये सोचो। और एक रिक्वेस्ट आपसे करो, देखो मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूँ, बट कभी कभी क्या आ जाता है कि जिन मैसेज के मैं रिप्लाई अगर ना करूँ तो वो समझ जाओ कि वो जो मैसेज है वो रिलेवेंट नहीं है, यानी कि वो मैसेज उस मतलब जो क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया। काफ़ी सवाल मेरे पास आ जाते हैं कि सर अपडेट या चेंज कैसे करें। अब अपडेट चेंज का ऑप्शन RCI नहीं दे रहा है तो उसमें इश्तियाक सर क्या बताएंगे, तो स्टॉप सेंडिंग इररिलेवेंट मैसेज। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ इररिलेवेंट मैसेज मत भेजो, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट
नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अवॉइड कॉल्स, और कॉल भी अवॉइड करो। मेरे पास रैंडमली बहुत कॉल आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप तो सोचते हो कि सिर्फ मैं कॉल कर रहा हूँ, बट आपके जैसे और 10-20 स्टूडेंट हैं जो डेली कॉल करते हैं। तो समझ लो एक पर्सन को 20-30 कॉल अटेंड वैसे करना, फिर प्रोफेशनल कॉल अटेंड करना, फिर फैमिली रिलेशन वाले, मतलब इस तरह से कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कॉल को अवॉइड करो, जो भी क्वेरी है वो व्हाट्सअप करो, बट इररिलेवेंट मत करना। अगर मैं उसका जवाब ना दूँ तो दोबारा ये रिक्वेस्ट मत करना कि उसका जवाब आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।